Welcome back myself, Bleeing in Therapy. I'm Neha and today discuss about for hand injuries in orthopedics. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने फोरआर्म और रिस्ट के इंजरी को डिस्कस कर रखा है. यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम 5 इंजरीज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट बैनिक फ्रैक्चर डिसलोकेशंस के बारे में, नेक्स्ट हम उसके बाद रोनाल्डो फ्रैक्चर्स देखेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकॉर्पल एंड देन फ्रैक्चर ऑफ द फैलेंजेस एंड लास्ट इज डिसलोकेशन ऑफ मेटाकॉर्पल फैलेंजियल जॉइंट्स के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हैंड इंजरीज होती क्या है. इसका जो हमारा हैंड होता है एक मोस्ट फंक्शनल यूनिट होता है मूवमेंट कराने में, अपर लिम का. सारे जो हमारे अपर लिम के वर्क होते हैं वो अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं. तो उसमें हमारी फिंगर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हमारी पाम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हमारे थंब का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जब इनमें इंजरीज हो जाएगी तो हमारे जो फंक्शंस होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे, हम फंक्शंस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से. तो क्या होता है कि हाथों में जो हमारी इंजरीज होती है तो लोग उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों पर उसे यूजलेस समझते हैं. बट जो हमारी छोटी से छोटी इंजरी यदि हमारे हाथों पे हो रही है तो वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, वो पैरालिसिस भी कर सकती है हमारे अपर लिम्स में. क्योंकि हमारी यदि यहाँ की जो नर्व है, यहाँ पे इंजरी हुई है, इस नर्व में हमने ध्यान नहीं दिया है तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे अपर लिम में, हमारे आर्म में, फोर आर्म में इंजरीज कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है. तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं हमारी हैंड इंजरी को हमें ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इसकी केयरिंग रखनी करनी चाहिए. सो फर्स्ट हम देखते हैं बैनेट फ्रैक्चर डिसलोकेशंस के बारे में. तो जो बैनेट फ्रैक्चर होता है वो हमारे मेटाकॉर्पल्स में देखने को मिलता है, फर्स्ट मेटाकॉर्पल में देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेटाकॉर्पल होती है इसमें सबलक्शन या डिसलोकेशंस हो जाता है, या ऑब्लिक फ्रैक्चर हो जाता है, या इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है. सो देखते हैं, यहाँ पर आप डायग्रामिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारी मेटाकॉर्पल है जहाँ पे ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, दिस इज एन ऑब्लिक इंटरआर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकॉर्पल विथ सबलक्शन और डिसलोकेशन ऑफ मेटाकॉर्पल. तो हमारी जो फर्स्ट मेटाकॉर्पल होती है हमारी थंब की होती है, वहाँ पे उसके बेस पे, थंब के बेस पे फ्रैक्चर हो जाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर या सबलक्शन या डिसलोकेशन देखने को मिलता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जो सस्टेन, जो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो जो थंब है यहाँ पे सीधा जो यहाँ का जो बेस है यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल फोर्स यहाँ पे पड़ता है हमारी थंब पे. तो हम इसे मूवमेंट नहीं करा पाते. हमारी थंब सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, जैसे हम यहाँ पे सीधा सारे अपनी अपोजिट इसका मूवमेंट करा सकते हैं, पोजिशन करा सकते हैं थंब का. बट क्या सारी फिंगर्स इस टाइप का मूवमेंट करती है जितना हमारा थंब करता है? नहीं कर पाती हमारी फिंगर. तो यहाँ पे जो मेटाकॉर्पल्स बोन है, फर्स्ट मेटाकॉर्पल बोन है, उसमें डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस कंडीशंस में से हम बोलते हैं बैनेट फ्रैक्चर्स. सो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं. ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमें एक्यूरेट रिडक्शन चाहिए होता है, जो हमारी स्मूथ जो सरफेस सरफेस पे जॉइंट पे जो फ्रैक्चर हुआ है उसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके फिर से सारे मूवमेंट है उसे रिस्टोर करना चाहिए. क्योंकि जो इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है यदि हमने इसे सही से रिड्यूस नहीं किया, जैसे यहाँ पे जो फ्रैक्चर है इसे सही से रिड्यूस नहीं किया, तो ये क्या कर सकता है, ये आगे जाके आर्टिकुलर सरफेसेस को भी लीड कर सकता है, यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसी कर सकता है. तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से केयरिंग करके इसे रिड्यूस करना चाहिए, इसके फंक्शंस को रिस्टोर करना चाहिए, नहीं तो हमारी आर्टिकुलर सर्फेसिस को भी इनकॉन्ग्रुएंटी हो जाएगी और आगे चल के इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है, दो टाइप से होता है ट्रीटमेंट. एक होता है हमारा क्लोज रिडक्शन. सो क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस वायर में क्या, के वायर में क्या देखने को मिलता है, के वायर का हम यूज़ करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने की एक टेक्निक होती है, जिससे कि जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है, उसे हम फिर से मेंटेन कर सकें उसके अलाइनमेंट पे. और के वायर यूज़ करते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन प्लास्टर कास्ट के लिए, जिसे कॉपरेट कर सके. एंड नेक्स्ट इज हमारा जो ओपन रिडक्शन होता है, इंटरनल फिक्सेशन होता है, उसमें हम के वायर का और स्क्रू का यूज़ करते हैं. सो अंडर एन इमेज इंटेंसीफायर इज ए गुड टेक्निक. के वायर इज यूज टू इनकॉर्पोरेटेड इन प्लास्टर कास्ट, इसका यूज़ करते हैं इनकॉर्पोरेट प्लास्टर कास्ट के लिए. ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन में क्या होता है कि के वायर और स्क्रू का हम यूज़ करते हैं, इसमें नेसेसरी होती है हमें कुछ केसेस में के वायर और स्क्रू का. नेक्स्ट उसके बाद हम इसे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखते हैं. कॉम्प्लिकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि
यहाँ पे जो जॉइंट सर्फेस होती है वहाँ पे इरेगुलरिटी देख होने लगती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगता है, पेन होता है, हम ग्रिपिंग जो हमारी होती है वो लॉस होने लगती है, मीन्स हम किसी चीज़ को ग्रिप नहीं कर पाते क्योंकि हमारे थंब जो होता है मूवमेंट नहीं करता है। डिसेबिलिटी होने लगती है हमें हैवी वर्क करने में, और हमें यहाँ पे अब इस तरह की डिसेबिलिटी होती है तो हमें ट्रैपीजियम जो मसल्स हो ट्रैपीजियम जो बोन होती है हमारी उसे भी हमें एक्साइट करने का रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसे निकालने की वहाँ से रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होती है जब पेनफुल आर्थराइटिस कंडीशंस होती है उस टाइम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रोनाल्डो फ्रैक्चर्स के बारे में। आई होप आपको बेनेट फ्रैक्चर समझ आया होगा। सो जो रोनाल्डो फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है कि ये दो शेप में इसका फ्रैक्चर होता है, हमारी फर्स्ट मेटाकॉर्पल का टी और बाई शेप में। तो इसको हमें परफेक्ट रिडक्शन के लिए मीन्स वही हमें इंटरनल फिक्सेशन की नीड होती है, केवायर का यूज नीड होता है, और हम थंब को इमोबिलाइज करके रखते हैं स्पाइका के थ्रू। सो दिस इज कंप्लीट ऑर्टिकुलर टी और बाई शेप्ड फ्रैक्चर बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकॉर्पल। फर्स्ट मेटाकॉर्पल के जो हमारी होती है उसके बेस पे होता है टी और बाई शेप का फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट इज एक्यूरेट रिडक्शन इन फिक्सेशन विद के वायर, ट्रीटमेंट रिड्यूस कर फिक्सेशन के वायर के थ्रू एंड इमोबिलाइजेशन इन थंब स्पाइका फॉर 3 वीक। तो इसमें इमोबिलाइजेशन करने के लिए हम इसे एक स्पाइका का यूज़ करते हैं कम से कम 3 हफ्तों के लिए, जिसे इमोबिलाइज करके रखती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ मेटाकॉर्पल्स का। तो जो फ्रैक्चर ऑफ मेटाकॉर्पल होता है उसमें हमारी जो मेटाकॉर्पल है आपको यहाँ बताती हूँ, ये हमारी मीन्स मेटाकॉर्पल हो गई, सॉरी डायग्राम ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जो मेटाकॉर्पल होती है ये उसका होता है बेस, ये हो गई हमारी शाफ्ट, ये हो गई हमारी नेक, और ये हो गया हेड। जो हमारी मेटाकॉर्पल होती है 4 टाइप से डिवाइड होती है। जो फ्रैक्चर होता है मेटाकॉर्पल का वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है शाफ्ट पे। तो ये किस कुछ इसके कॉमन कॉजेस होते देखते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकॉर्पल शाफ्ट आर कॉमन इन ऑल एज, किसी भी एज में हो सकता है। कॉमन कॉज क्या है इसका, फॉल इन द हेड, अपने हाथों की मतलब फॉल हो जाए हैंड के थ्रू बिलो ऑफ द नकल, या बॉक्सिंग करते हैं तो नकल से यहाँ पे ये हमारे जो होते हैं नकल्स वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए। क्रशिंग ऑफ द हैंड अंडर ए हैवी ऑब्जेक्ट, कोई हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रशिंग हो जाए, हम कोई भारी ऑब्जेक्ट होता है उसके नीचे आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशंस में हमारी जो शाफ्ट होती है मोस्ट कॉमन यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो जो फ्रैक्चर होता है मेटाकॉर्पल का वो क्लासीफाई करते हैं किस अकॉर्डिंग टू साइट, किस साइट पर फ्रैक्चर हुआ है। तो दे आर 4 साइट, हेड, नेक, शाफ्ट एंड बेस। सो देखते हैं, फर्स्ट हमारी है बेस, बेस ऑफ द मेटाकॉर्पल। तो बेस ऑफ द मेटाकॉर्पल में क्या जिस टाइप का फ्रैक्चर होता है उसे ट्रांसवर्स या अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बेस ऑफ द शाफ्ट, जो फ्रैक्चर होता है शाफ्ट के थ्रू होता है, वहाँ पे भी ट्रांसवर्स और ऑब्लिक हमें देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स और ऑब्लिक होता है, बट इस जो शाफ्ट का जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर जल्दी से डिस्प्लेस नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे स्प्रिंटिंग इफेक्ट होता है हमारे इंट्रोसिस मसल्स का। वहाँ की एडजेसेंस जो मेटाकॉर्पल होती है वो बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्प्रिंटिंग इफेक्ट देती है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं होता है कभी। मतलब कभी कभी जो साफ्ट का फ्रैक्चर होता है वो बहुत ही रेयरली होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट हो वहाँ पे। ऑटोमोबिलाइजेशन जरूर उसका लॉस हो जाता है कि फिर खुद से मोबिलाइज नहीं कर सकते, फ्रैक्चर अनस्टेबल हो सकता है। जब अनस्टेबल हो तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है हमें सर्जिकल या ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ द मेटाकॉर्पल, जो फ्रैक्चर हमारी नेक पे होता है मेटाकॉर्पल की, तो जो अफेक्ट करता है हमारी कॉमनली 5th मेटाकॉर्पल को अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे बॉक्सर जो बॉक्सिंग करते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर हो जाता है इसी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो 5th मेटाकॉर्पल है यहाँ पे इसके हेड जो नेक है यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट होती है। तो इट इज़ डिस्टल सेगमेंट टिल्टेड फॉरवर्ड व्हेन क्लोज फिस्ट हिट अगेंस्ट ए हार्ड ऑब्जेक्ट। इसमें डिस्टल सेगमेंट होता है वो फॉरवर्ड टिल्ट हो जाता है जब हम अपनी मुट्ठी फिस्ट मीन्स जो फिस्ट हिट अगेंस्ट ए हार्ड किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम जब मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर और मेटाकॉर्पल का जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दो टाइप से होता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मोस्ट केसेस में हम इसका यूज़ करते हैं, सफिशियंट होता है मोस्ट केसेस के लिए। जहाँ पे इमोबिलाइजेशन जो हमारे हाथों को इमोबिलाइजेशन के करने के लिए हम डॉर्सल स्लैब का यूज़ कर देते हैं, स्लैब का 3 वीक के लिए,
यदि हमारा मिनिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेटाकॉर्पल का, तो उसमें हमें ज़्यादा नीड नहीं होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो इतना एक्सेप्टेबल होता है कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उसने फ्रैक्चर को। बट जब सीवियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ जब सीवियर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलेशन हो जाता है, रिडक्शन हो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि परक्यूटनिस के वायर का यूज़ करते हैं, इंटेंसीफाई परक्यूटनिस के वायर का यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं और प्लेट्स का यूज़ करते हैं उसे इंटरनली फिक्सेशन करने के लिए। सो फर्स्ट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज सफिशियंट इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में सफिशियंट है। एंड इट कंजिस्ट इमोबिलाइजेशन ऑफ हैंड इन ए लाइट स्लेप फॉर 3 वीक्स। इमोबिलाइजेशन करने के लिए हैंड को हम स्लैब का यूज़ कर सकते हैं 3 वीक के लिए। एंड सीवियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलेशन, यदि सीवियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलेशन हुआ है तो हमें नीड होती है रिडक्शन की, वहाँ पे हम प्लेस करते हैं परक्यूटनिस के वायर का। एंड उसके बाद यदि दिस फ्रैक्चर फिक्स विथ मिनी प्लेट्स एंड स्क्रू, और इस फ्रैक्चर को हम कुछ छोटे छोटे प्लेट्स के थ्रू फिक्स करते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा मेटाकॉर्पल बोन है, यहाँ का फ्रैक्चर हुआ है साफ्ट का ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो यहाँ हमें के वायर के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं के वायर का, यहाँ पे या हम कुछ यहाँ पे साफ्ट वो प्लेट का यूज़ करते हैं, स्क्रू और प्लेट का यूज, बहुत स्मॉल स्मॉल प्लेट और स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम मेटाकॉर्पल का ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ फैलेंजेस के बारे में, जो फ्रैक्चर होता है फैलेंजेस का। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है फैलेंजेस का फ्रैक्चर, क्योंकि हम कभी क्या होता है क्रशिंग हो जाती है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, या हम फिंगर्स जो होती हैं हम किसी बिलो हो जाए फॉल हो जाए, तो उस कंडीशंस में हमारी जो फिंगर्स होती हैं यहाँ पे जो फैलेंजेस होती हैं उनका फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसका फ्रैक्चर तो बेस पैटर्न्स होते हैं, बहुत टाइप के पैटर्न्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अनडिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक ट्रांसवर्स, सो इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं फ्रैक्चर के। तो फर्स्ट इज दीज आर कॉमन फ्रैक्चर जनरली सस्टेन बाई फॉल इन हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द फिंगर और क्रशिंग ऑफ द फिंगर, फॉल हो जाए हैवी ऑब्जेक्ट पे या क्रशिंग फिंगर्स हो जाए, तो ये पैटर्न जो उसके होते हैं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या अनडिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सो इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये यूनिट बहुत जल्दी हो जाती है, यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बस ओनली होती है कि इसे अपनी अलाइनमेंट पे कैसे मेंटेन करें इस फ्रैक्चर्स को। फ्रैक्चर हो गया तो इसे हम मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है। तो दो टाइप का फ्रैक्चर होता है, डिपेंड करता है कि अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर या डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है। तो डिस्प्लेसमेंट और अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर में क्या होता है कि अनडिस्प्लेसमेंट जो फ्रैक्चर होता है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है पेन होता है, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए। तो सिंपल मेथड एक होता है जिसमें कि हम एक मतलब स्प्लिंट टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो भी इंजर्ड फिंगर है सपोज करते हैं हमारी ये फिंगर है वो इंजर्ड हुई है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है हमारे, तो इस फिंगर को इमोबिलाइज करने के लिए हम जो एडजेसेंट फिंगर है इसके साथ वाली फिंगर है वहाँ पे हम स्ट्रैपिंग कर देते हैं, कुछ 2 हफ्तों के लिए स्ट्रैपिंग कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये इसमें सपोर्ट प्रोवाइड बना रहता है, सपोर्ट मिलता है, उसके बाद हम कुछ दिनों बाद इसे हम इमोबिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस फिंगर का। सो यही हमारे लिखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। ये सिंपल मेथड ऑफ स्प्लिंट इज टू स्ट्रैप इन द इंजर्ड फिंगर, जो इंजर्ड फिंगर है वहाँ पर स्ट्रैप यूज़ करते हैं टू एन एडजेसेंट फिंगर फॉर 2 वीक के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है उसमें क्या करते हैं कि इसे रिड्यूस करने के लिए हमें मैनिपुलेशन की नीड होती है। तो मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, हम मैनिपुलेट करके इमोबिलाइज रखने के लिए एक हमारे पास एक सिंपल मैलिएबल एल्युमिनियम स्प्लिंट आती है, जो हम ऐसी फिंगर में फंसा देते हैं वहाँ पे इस टाइप, यहाँ पे एल्युमिनियम की एक प्लेट होती है उसे हम रख देते हैं, मैलिएबल एल्युमिनियम स्प्लिंट बोलते हैं। और उसके बाद कुछ 3 वीक्स आफ्टर इंजरी के 3 वीक्स बाद हम वहाँ पे एक्टिव एक्सरसाइज कराने लगते हैं, जिससे कि उसका मूवमेंट हो फिर से होने लगता है। और कभी कभी जब नीड होती है कंट्रोल करने की तो हम के वायर का यूज़ कर सकते हैं, ओपन रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कम्युनिटी फ्रैक्चर होता है हमारी डिस्टल फैलिंग्स का, कभी क्रशिंग हो जाती है तो यहाँ पे कम्युनिटी फ्रैक्चर होता है, तो इतना इसको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। इसको बस हमें जो हमारे आगे सॉफ्ट टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट ज़्यादातर ध्यान से करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर रिड्यूस फ्रैक्चर बाय मैनिपुलेशन एंड देन इमोबिलाइजिंग इन ए सिंपल मैलिएबल एल्युमिनियम स्प्लिंट, एल्युमिनियम स्प्लिंट का यूज़ करते हैं सिंपल मैलिएबल एल्युमिनियम स्प्लिंट का, इट इज़ यूजिंग ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन यूजिंग के वायर। सो डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप 2 डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर का, ये हमारे डिस्प्लेस फ्रैक्चर का। तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर में हमने एक स्ट्रैप यूज़ किया है, स्ट्रैप यूज़ किया इस फिंगर के लिए और दूसरी जो एडजेसेंट फिंगर है उसे उसके सपोर्ट में दे दिया। नेक्स्ट इज
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, इसमें आके हम यूज़ करते हैं सिंपल मैलिएबल एल्युमिनियम स्प्लिंट, इसका यूज़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2 या 3 हफ्तों बाद हम फिर से यहाँ एक्टिव मूवमेंट करा सकते हैं। सो ये हमारा फ्लेक्सर था फेलेंजेस का फ्लेक्सर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसका जो एक मैलेट फिंगर और होता है बेसबॉल फिंगर जिसे बोलते हैं, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, मैलेट फिंगर में क्या हो जाता है वो देखते हैं। मैलेट फिंगर में क्या होता है, जो हमारी डिस्टल इंटरफेरेंजल ज्वाइंट होता है वहाँ पे ही फ्लेक्सन कहा जाता है। मीन्स इस टाइप का फ्लेक्सन यहाँ पे हम होल्ड करके रखेंगे, ये इस टाइप का फ्लेक्सन, या ऐसे बोल सकते हैं इस टाइप का फ्लेक्सन होता है हमारे ओनली डिस्टल इंटरफेरेंजल ज्वाइंट पे। सो रिजल्ट फ्रॉम सडन पैसिव फ्लेक्सन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजल ज्वाइंट सो डेट एक्सटेंसर टेंडन ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजल ज्वाइंट इज एवल्स फ्रॉम इंसर्शन एट द बेस ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि सडनली हमारे जो डिस्टल फेलेंजेस होते हैं, डिस्टल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट होता है वहाँ पे पैशिवली फ्लेक्शन होने लगता है। वो इसलिए होने लगता है कि जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन होते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट के, वो एवल्स हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इनका इंसर्शन होता है बेस ऑफ डिस्टल फेलेंजेस का, तो वहाँ पे ये एवल्स होने की वजह से जो मूवमेंट होता है वो अपने आप यहाँ पे फ्लेक्शन होने लगता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या करते हैं, इस फ्रेगमेंट जो होते हैं मूवमेंट को कुछ टाइम, कभी कभी क्या होता है कि इस मूवमेंट के साथ कुछ फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे कि इस टाइप का हमें जो फिंगर है इस टाइप की मूवमेंट करने लगती है, तो इस फ्रैक्चर के टाइम यहाँ के कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन्हें भी ये फ्रैक्चर जो होता है अपने साथ ले लेता है, टेक इट कर लेता है यहाँ के फ्रेगमेंट को। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इमोबिलाइजेशन देंगे TIP ज्वाइंट पे, मीन्स डिस्टल इंटरफेरेंजल ज्वाइंट पे, और जो हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है उसे हम इमोबिलाइज रखने के लिए एक हम एल्युमिनियम स्प्लिंट या प्लास्टर कास्ट का यूज़ करते हैं। बस वो इतने में ऐसे यहाँ पे यूज़ की जाती है। सो आई होप आपको मैलेट फिंगर समझ आया होगा। समटाइम इज टेक फ्रेगमेंट ऑफ बोन विथ, यहाँ के कुछ कभी कभी क्या होता है कि इस यहाँ फ्रेगमेंट को भी ये ले लेती है साथ में। ट्रीटमेंट के लिए इमोबिलाइजेशन द DIP ज्वाइंट इज हाइपर एक्सटेंशन विथ हेल्प ऑफ एल्युमिनियम स्प्लिंट और प्लास्टर कास्ट, एल्युमिनियम स्प्लिंट और प्लास्टर कास्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट रह गया डिसलोकेशन ऑफ मेटाकॉर्पोफेलेंजल ज्वाइंट, वो भी देख लेते हैं। सो जो हमारा डिसलोकेशन होता है मेटाकॉर्पोफेलेंजल ज्वाइंट का, तो ये अनकॉमन इंजरी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मेटाकॉर्पोफेलेंजल ज्वाइंट होते हैं वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है उनका, तो जो हेड होता है मेटाकॉर्पल का हाइपर एक्सटेंशन की वजह से बोलर जो कैप्सूल होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे इस टाइप का, तो वहाँ पे बोलर कैप्सूल जो होते हैं वहाँ पे बटन होल टाइप का देखने को मिलता है, और हमारे जो मोस्ट अफेक्टेड जो कॉमन इफेक्ट होते हैं हमारे इंडेक्स फिंगर होती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ओपन रिएक्शन इंटरनल फिक्सेशन का ही यूज़ करते हैं। दीज आर अनकॉमन इंजरी, अनकॉमन है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ MP ज्वाइंट मेटाकॉर्पोफेलेंजल ज्वाइंट का, हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। द हेड ऑफ द मेटाकॉर्पल बटन होल्स थ्रू द बोलर कैप्सूल, यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है कि वहाँ पे जो मेटाकॉर्पल होते हैं वहाँ की बटन होल देखने को मिलने लगता है बोलर कैप्सूल्स पे। एंड द MP ज्वाइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर्स अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली जो MP ज्वाइंट अफेक्ट होता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारे फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने बैरेट फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस किया है, रोनाल्डो फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस किया है, फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकॉर्पल डिस्कस किया है, फ्रैक्चर ऑफ द फ्लेंजेस डिस्कस किया है, एंड लास्ट हमने डिसलोकेशन ऑफ मेटाकॉर्पोफेरेंजल ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट जो वीडियो हम उसमें लेके आएंगे टेंडन्स इंजरीज एंड हम क्रशिंग इंजरीज। थैंक यू, बाय।